डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज जो हमारा टॉपिक है स्टडी का, वो है यूरिया प्रोडक्शन इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में यूरिया को किस तरीके से बनाया जाता है। यूरिया एक फर्टिलाइज़र है, जो कि फर्टिलाइज़र होने के कारण ये खेतों में काम आता है आपका अनाज वगैरह के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, केमिकली NH2CO NH2। तो यूरिया का अगर आप देखें कि मेन इसका फॉर्मूले में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब के कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो इसमें बेसिकली जो ये यूरिया प्लांट है, इसमें किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल कहीं से नहीं मंगाया जाता है। इसमें जो सबसे पहले यूरिया प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो पड़ती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल है। इट इज़ अराउंड 75% आपके एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल है, जिसको अपन जो है डिस्टिलेशन कॉलम के द्वारा उसको लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें ये कार्बन कंपाउंड्स जो हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स आपको वेरियस फ्यूल्स के बर्न करने से प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। इनको अपन रिफॉर्मर के द्वारा कार्बन को, जैसे नेफ्ता को या नेचुरल गैस को जलाने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स डेवलप कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको एटमॉस्फेयर से अवेलेबल हो जाते हैं या फिर किसी फ्यूल से अवेलेबल हो जाते हैं। तो डायरेक्टली अपन इसके कंपाउंड्स को लेते हैं। सबसे पहले ये कार्बन कंपाउंड है, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने इधर से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेसर के द्वारा 1 मोल लिया जाता है एंड लिक्विड नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को पंप आउट करके 3 to 5 moles नाइट्रोजन के एक यूरिया सिंथेसिस टावर में इंसर्ट किया जाता है, जिसका कि टेम्परेचर जो है वो 185 डिग्री रहता है और इसका प्रेशर रहता है 135 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अंदर इसको आप सिंथेसिस करते हैं यूरिया को एंड देन इसको पंप आउट करके एक वॉल्व के द्वारा इसको ड्राई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम, और इसके प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टिलेशन टावर एंड देन जो सॉल्यूशन है इसका, इसको आप विद स्टीम हीटर्स की लाइन के द्वारा इसको आगे सप्लाई किया जाता है और इसका प्रेशर फिर वापस से फ्लश ड्रम के अंदर प्रेशर 1 atmosphere तक रिड्यूस किया जाता है। और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर गैस के फॉर्म में रिलीज करके रिसाइकलिंग के लिए वापस से यूरिया सिंथेसिस टावर में भेज दिए जाते हैं। इधर फ्लैश ड्रम से जो इसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 80% एक्वस यूरिया डेवलप हो जाता है, इस एक्वस यूरिया को वापस आप इसमें, ये एक चैम्बर है जिसको अपन वैक्यूम इवापरेटर कहते हैं, जिधर से इसमें से वापस से जो मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, और इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 135 डिग्री सेल्सियस एंड इसका प्रेशर मेंटेन किया जाता है, दैट इज वैक्यूम प्रेशर, इट इज 60 centimeter ऑफ HG एंड देन इसको फिर एक मोल्टन टैंक के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, उसको स्टीम के द्वारा हीटअप करके इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिससे कि वो एक्वस सॉल्यूशन में रहे, एक्वस मोड में रहे और 99% यूरिया मोल्टन यूरिया के फॉर्म में रहता है। देन इसको पंप आउट करके एक प्रिलिंग टावर होता है जिसकी हाइट करीब करीब 105 meters 105 मीटर के आसपास रहती है, 105 से 120 मीटर तक भी हो सकती है। उधर से इसको एटमोसफियर में इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स स्प्रे किया जाता है, मीन द टाइम साइड से जो है इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि इसके साइड से एयर जो आती है वो उस ड्रॉपलेट्स को सॉलिडिफाई करती है और ये ड्रॉपलेट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्यूल्स, यूरिया ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूरिया ग्रेन्यूल्स को एक दानेदार यूरिया कन्वर्ट होने के बाद ये इसको आप इसे कन्वेयर बेल्ट के द्वारा
स्टोरेज एंड पैकिंग प्लांट्स में भेज सकते हैं। और इसका जो इवेपोरेशन पार्ट है वो एयर से, जो एयर जो आ रही है नीचे से, इसको ड्राई आउट करके वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर इस कंप्लीट जो चैम्बर है इसे अपन प्रिलिट टावर कहते हैं, और इस तरीके से यूरिया बना लिया जाता है और इसको फिर फर्दर ट्रेन और ट्रक्स के द्वारा पैकेजिंग के बाद सेल के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से यूरिया प्लांट में यूरिया को बनाया जाता है। इट इज कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम एनालिसिस ऑफ यूरिया पावर प्लांट। थैंक्स।